नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पंचायत चुनाव को लेकर वॉइस एमपी की टीम सरपंच साहब का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो तारीखों के ऐलान के बाद पंचायत चुनाव में दावेदार भी अब चौपालों पर जाकर ग्रामीणों से हाथ जोड़ते नजर भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार परिसीमन और आरक्षण को लेकर विरोध दर्ज करा रही है। वहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। ऐसे में अब बात की जाए तो वॉइस एमपी की टीम पंचायत के सरपंच साहब का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर कितना पास वे हुए, कितना फेल हुए हुए और जनता ने, ग्रामीणों ने कितना उन्हें पसंद किया है, इन तमाम मुद्दों पर हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट निकाल रहे हैं। चाहे बात की जाए तो हमारी एंकर महक और रिपोर्टर आसिफ अली ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। अब हमारी टीम जा पहुँची है जमुनिया कला पंचायत में, जहाँ पर विनोद जायसवाल का रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार किया है। इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई है। ग्रामीणों कई चौंका देने बातें जो है हमारे एंकर महक को कही है, आसिफ अली को कही है। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो सरपंच साहब ने दो चीज़ें महत्वपूर्ण की है। उन्होंने अपने वार्ड और अपने एरिए को पूरी तरीके से विकास में बदल दिया। अगर दूसरी तरफ बात किया है, जो वार्ड दूसरे वार्ड है वहाँ पर सरपंच साहब ने झाँककर तक नहीं देखा, वहाँ पर एक पत्थर शिलान्यास का वहाँ पर नहीं लगाया। इस तरह की बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ग्रामीण कह रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे, ले जाएंगे और बताएंगे कि कितना विकास इस पंचायत में, और विनोद जायसवाल जी सरपंच साहब ने कितना विकास किया अपना और गांव का। अब आप लेके चलते हैं आपको गांव की तरफ और बताते हैं कितना विकास गांव में हुआ और कितनी बदली है जमुनिया कला पंचायत। चलिए चलते हैं। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम, खास पेशकश, खास मुलाकात, जिसमें वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ के विकास कार्यों का जायजा ले रही है और कितना डेवलपमेंट गांव की सरकार ने गाँव में किया है ये जान रही है और आप तक हकीकत पहुँचा रही है। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत जमुनिया कला में। यहाँ के सरपंच से हम बातचीत करेंगे, यहाँ के ग्रामीण वासियों से हम बातचीत करेंगे और जमुनिया कला के सरपंच विनोद जायसवाल का रिपोर्ट कार्ड हम यहाँ पर तैयार करेंगे। साथ ही यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है और उससे लेकर जो है पूरी बातचीत हम यहाँ इस गांव में ग्रामीण वासियों से करेंगे और सरपंच से करेंगे। अब आइए जानते हैं ग्रामीण वासियों से कि कितना रिपोर्ट कार्ड यहाँ की कितना विकास यहाँ पर हुआ है और किस तरह की सुविधाएं उन्हें यहाँ पर प्राप्त की गई है। ये है जमुनिया कला पंचायत और यहाँ के सरपंच साहब है विनोद जायसवाल, जो विकास के दावे कर रहे हैं लेकिन सरपंच साहब ने भी क्या कमाल किया है और विकास भी किया है, लेकिन सरपंच साहब ने एक और काम किया है, वो है भेदभाव। इस गांव में तकरीबन 2800 के करीब वोट है और जहाँ से सरपंच साहब को वोट मिले वहाँ विकास की गंगा बहा दी और जहाँ नहीं मिले वहाँ एक पत्थर का शिलान्यास तक नहीं किया, क्योंकि इन्हें वोट ना देने का बदला भी तो लेना था। ये बात हम नहीं, खुद गांव के लोग कह रहे हैं। पहले आप खुद सुनिए जमुनिया कला के इस वार्ड के लोगों की बात, जिन्हें सरपंच साहब को वोट ना मिलने की सजा मिली है। फिर सुनाते हैं जहां विकास हुआ है उनकी बात और फिर सरपंच साहब की बात। हम ग्राम पंचायत जमुनिया कला में मौजूद है और यहाँ के विकास कार्यों को लेकर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर कितना विकास कार्य डेवलपमेंट जो है यहाँ के सरपंच द्वारा किया गया है और साथ ही यहाँ के ग्रामीण वासी क्या कहते हैं इस यहाँ के विकास कार्य को लेकर, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जी बताएं तो किस तरह का विकास कार्य इस ग्राम पंचायत में हुआ है, क्या सुविधाएं आपको दी गई है? कई सुविधा को हमारे कई सुविधा को ना रोड है न कई को नारियां पानी पड़ जाते घसर में बैठा में तो न संग घसर में आई देख लो बोली सड़कों वगैरह की सुविधा आपको नहीं मिली है? नहीं मिली, कहीं नहीं सर। योजनाओं का लाभ मिला है आपको? मिला, किसने मिला? कहीं दिया, कहीं दिया, कहीं को। तो यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है और कोरोना काल में किस तरह की सुविधाएं जो है सहायता सरपंच द्वारा दी गई? कई सविता नहीं दिमाग है तो मैं कई सविता नहीं की दिमाग है अच्छा दर्द मिली। आपने इन सबकी शिकायत सरपंच से कभी की है? कई साहब दर्द की है, अब आज की है, अब आज नर आया तो क्यों नर दाबिया सदी भी बोले लाया उन्होंने
तो इनका ये कहना है कि गंदगी यहाँ ज्यादा है और किसी भी सुविधा का लाभ यहाँ इन्हें नहीं मिला है। आइए और बात करते हैं। राशन कार्ड का और लेटरिन बाथरूम का कोई भी सुविधा नहीं है, और गंदगी और रोड भी नहीं बनाए हमारे कोई भी योजना का सरकार द्वारा कुछ नहीं मिला। थोड़ी बहुत बनी और थोड़ी बहुत छोड़ रखी है, तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल गंदगी, डेंगू बीमारी हो रही, बीमार डेंगू बीमारी हो रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और गंदगी हो रही है। शर्म, हम खाते पीते तो कैसे खाएं, यहाँ पर बहुत गंदगी पड़ी। तो ज़्यादातर यहाँ पर यही समस्या जो ग्रामीण वासी में बता रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। जी आप बताएं किस तरह सुविधा यहाँ पर आप रहते हैं? हाँ, मेरे घर के यहाँ नाली भी नहीं आगे और नाली नहीं आगे है सर, और गंदगी बहुत फैल रही है, मच्छर काट रहे हैं हमारे को। कोरोना काल में सहायता मिली आपको? बीमारी कुछ भी नहीं मिली हमारे को, मेरे ससुराल जी कोरोना में आ गए तो भी कुछ भी नहीं मिला। बरसात में कीचड़ हो रहा है बहुत, अभी भी हो रहा है, बच्चे कीचड़ में पड़ जाते हैं, और फिर देखो डेंगू ऐसा हो रहा है, बीमार हो रहे थे, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिली। छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे, क्या करें। सरपंच साहब से बोलते हैं तो कहते हैं कलेक्टर साहब पर जाओ, कलेक्टर पर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर कहाँ पे जाए सरपंच, किससे बोल रहे हैं नहीं देंगे। क्या मांग करते हैं आप सरपंच से? क्या हमें कहते क्या ऐसे चाह रहे मेरा अच्छा रोड हो जाए और नाली अच्छी बन जाए, बच्चे सुविधा से रहे, अपन ताव बुखार नहीं आए। हम देख पा रहे हैं कि काफी गंदगी इस गांव में हमें देखने को मिल रही है। साथी जी बताएं, कोरोना काल भी चल रहा है इससे। हाँ, तो इससे लाभ तो खुद मिला, लेकिन आधी हमारे मोहल्ले में आधी सड़क बनी हुई है और आधी सड़क नहीं बनी हुई है, और ये नाले ओपन हो रही है, कीड़े निकलते हैं, लेटरिंगों से बाहर निकलते कीड़े, और वीडियो बना कर आप देख लो, ये सड़क का आप खुद देख लो, ये वीडियो बनाओ इसका और देख लो ये नाली कैसे निकल रही है, बाहर निकल रही है, लेटरिंगों कीड़े बाहर निकलते हैं। हमारा काम होगा तो वोट क्यों नहीं देंगे, काम नहीं होगा तो वोट कैसे देंगे। बहिष्कार तो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप देख लो जो है जो ये आपके सामने है। तो ठीक है, अब आपके सामने ही है, गांव में विकास कार्य करवाए हैं, पर एक वोट बैंक के अनुसार इन्हें काम करवाया है कि साहब हमारा इधर वोट है, इधर यहाँ वोट नहीं है तो यहाँ नहीं कार्य करवाना है। जैसे कि आबादी क्षेत्र है, पीछे से निकल रहा है रोड, कच्चा रोड है जो कि इस पर आबादी क्षेत्र है, इसके अंदर सीसी रोड होना था, जबकि अगर आप यहाँ से जाके देखेंगे तो यहाँ से आबादी क्षेत्र ना होके रोड़ियाँ खाद की रोड़ियाँ हैं आम लोगों की, जो उनका वोट बैंक है सरपंच का, वहाँ उसके बीच में उसने सीसी रोड बनाया है। तो क्या खाद की रोड़ियों के लिए सीसी रोड बनाया है आम लोगों के जाने के लिए कि अतिक्रमण है, हमारी रोड़ी बनी हुई है साफ गोबर की, वहाँ जाके हमें गोबर फेंकना, उसके लिए सीसी रोड है? आम नागरिक जो जाए जो आबादी क्षेत्र है उसके अंदर सीसी रोड नहीं है, तो ये एक भेदभावपूर्ण कार्य है। योजनाओं का लाभ तो सब हम लोग उसके उस दायरे में नहीं आते हैं, जो हैं हम लोग जो बहुत सारे हैं भी और योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो नहीं है वो ले रहे हैं, हमें आवश्यकता नहीं है, वो आम लोगों को जो ज़रूरत लगी होगी करी होगी, हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो हमें नहीं मिली है ना, चाहिए भी नहीं हमें। सड़कें तो वो जो नीमत मंसर हावे है कि उस पर तो आज से वहीं बने हुए हैं, रोज ही हम जाते हैं, एक दो को कोई बाइक से ठुक गया, गिर गया, स्लिप हो गया, धूल उड़ रही है, बहुत सारी दिक्कत है। सरपंच जी को चुनना पसंद करेंगे, सरपंच जी को 7 साल मिले हैं, 5 साल तो सभी को मिलते हैं, इन्हें 7 साल मिले, पर 7 साल में भी पब्लिक इनसे नाखुश है, तो चाहेंगे कोई नया चेहरा अच्छा व्यक्ति तो बने। गंदगी तो है ही है, गाँव में पथरी पड़ी है, अब ये शासकीय अभी स्कूल है, यहाँ स्कूल के पास में आप जाएंगे देखेंगे कचरा वाहन जब इनने लगाया हुआ है तो कचरा वाहन महीने में 2 दिन चलता है, इसकी सारी इनने सुविधा दी है, तो कचरा वाहन सब आज खड़ा है, चल रहा है, किसी और कार्य में लगा दिया गया है, सरपंच के निजी कार्य में लगा दिया गया है, कचरा नहीं उठा पा रहा है। विकास कार्य सड़कें अच्छी थी, कोई भी गली नहीं छोड़ी गई, उस गली में पक्की सड़क नहीं है, सभी गए चाहे एक मकान होगा उसके उधर भी बना दी उन्होंने, बढ़िया सबसे बढ़िया काम किया है सरपंच साहब ने, और कोई काम की कमी नहीं छोड़ी, क्या किसी को मतलब ये नहीं कि लोग तो टांगे तो खींचते हैं क्या, एक से एक की खींचते रहते, फिर भी इन्होंने काम में कोई कसर नहीं कही। इसके योजनाओं का लाभ मिला सब चीज़ों का, रोड बनाना गांव में, क्या नाली बनाना और मकान बनाना, पाइपलाइन भी डलवाई, क्या ये सभी काम अच्छे थे। कोरोना
करवाया है हमारे गांव के लिए और आसपास के एरिया में भी सारा काम अच्छा करवाते हैं और सड़क वगैरह भी करवा रहे हैं। और जैसे कचरा गाड़ी पहले नहीं चल रही थी तो वो भी चलाते हैं, कभी कभार नहीं आती है, बाकी आती है कचरा गाड़ी। और साफ सफाई वगैरह अच्छी है और कभी कभार कुछ काम से जैसे साफ सफाई करने वाले नहीं आते। सरपंच ने बहुत काम अच्छा करवाया है। क्या क्या काम कराया है? ये RCC का काम है, नालियों का काम है और पानी वानी का सप्लाई का, नल का, पाइपलाइन का, सब काम बढ़िया करवाया। विकास पुल कराया है, 7 सालों में विकास की पूरी नदी बहा दी, रोड नालियाँ, आवास योजना, हर तरह की योजनाएं गांव में लागू है। कोरोना के टाइम पे भी जो होना था वो सारा ही किया, वहाँ जो भी बाहर से आए उनको खाना खिलाना, वो करना, वो सब उनके जेब से करा। तब हम पहुँचे हैं जमुनिया के लगे सरपंच जी के पास, विनोद जी जायसवाल के पास। आइए इनसे बात करते हैं कितना विकास कार्य इन ग्रामवासियों के दिया है इन्होंने और क्या पूरा मामला। वैसा नमस्कार, कितना विकास कार्य आपने 7 सालों में ग्रामवासियों को दिया है और क्या पूरा मामला? आप गांव में घूमे ही हो कि काम तो बहुत ही बढ़िया हुआ है इस गांव में, ऐसी कोई शंका नहीं हमारे को, हमने काम नहीं किया जब से जीते हैं, जब से अभी तक दिल से, और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है हमारे कार्यकाल में। सब सफाई व्यवस्था किस तरह की आप? सफाई तो बढ़िया है, पूरे गांव के अंदर गाड़ी चला रखी, कचरा गाड़ी किसी पंचायत में नहीं, जिस फर्स्ट है जमुनिया कला के अंदर मैंने गाड़ी पिछले 2 सालों में गाड़ी लाकर और गांव में कचरे के लिए गाड़ी चला रखी है। आवास योजना और इनके कितने लोगों का आपने लाभ दिलाया है, कितनी योजनाओं का लाभ दिलाया? जो शासन के जो चीज़ें थी वो हमने जनता तक पहुँचाया, उनका काम हुआ है। कुछ लोगों का निचली बस्ती जो है उनका कहना है कि हमारे आधे दूर कराया आधा नहीं कराया, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखो पूरे गांव, इतना बड़ा गांव है, 2 गांव में हर आदमी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो, जो आता है वो पूरा दम से एक साथ तो कोई कर नहीं पाएगा, समय के हिसाब से सबका काम होता है। एक गली रहेगी दूसरा वो कहता है हमारा काम नहीं हुआ, तो वो तो होता ही है, क्यों एक साथ कोई काम कर नहीं पाएगा। मतलब 21 नंबर की बात करें कि 21 नंबर के लोगों का यह कहना है कि सरपंच जी ने वोट, हमने वो उनका कहना है कि सरपंच जी हमारे को ये कहते हैं कि अगर वोट नहीं दिए तो हम आपके इधर विकास नहीं कराएंगे, नल सुविधा वहाँ नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहना आपका? 21 नंबर जो आप बात मुझे बता रहे हो, 21 नंबर पूरी फर्जी तरीके से बनी हुई, जिसका आर्डर तोड़ने का और पूरा कार्रवाई हुई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शासन के पाले में गेंद है। तो वहाँ आवास योजना का लाभ भी कई ग्राहकों को मिला हुआ है 21 नंबर में? नहीं मिला हुआ है। कहाँ पर मिला है? 21 नंबर में जो निचली बस्ती है वहाँ, वो वहाँ पर जो बरसों से जो भील मामा जो हमारे यहाँ कहते हैं जी, जी, वो रहते हैं जी, उनको कलेक्टर द्वारा दिया गया था, वहाँ उनने निर्माण कराया जो कि हमने नहीं करवाया। सब विकास कार्य की बात करें कि किस किस योजना, सामुदायिक भवन वगैरह किस तरह के बनवाया आपके द्वारा, किस तरह की सहायता दी गई? सब बढ़िया काम कर रखा हमने, आपने घूमे होंगे तो आपने देखा होगा, जनता है, जनाजन है काम। इस बार चुनाव आ रहे, किस तरह की तैयारी रहेगी और क्या? अभी फिलहाल के मूड में कोई तैयारी नहीं हमारी, ये जनता के ऊपर डिपेंड करती है, वो जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। आपका नाम? विनोद कुमार जायसवाल, जमुनिया का सरपंच। ये था हमारे साथ विनोद कुमार जायसवाल जी, इन्होंने बताया।